हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल में। तो आज है सोमवार और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है पूरियाँ, आलू भिंडी की भुजिया और सेवई। तो अभी मैं पूरियाँ बना रही हूँ, सब्जी और सेवई मेरी बन चुकी है। हस्बैंड जी जाने के लिए तैयार है, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पूरियाँ छान देती हूँ। और आज मंडे है तो मेरा है फास्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी ही बना रही हूँ कि बच्चे खा के थोड़ी देर तक शांत रहेंगे और मेरा पूजा पाठ होते होते थोड़ा लेट हो जाएगा और बच्चे भी आराम से खा लेंगे, हस्बैंड जी भी खा लेंगे। तो दूध भी रात का पड़ा हुआ था हमारा 1 किलो, सुबह ये 2 केजी और लेकर आ गए थे, तो दूध भी हमारे पास ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बोला चलो सेवैया ही बना देती हूँ। ऐसे मेरा इरादा था आज आलू भिंडी की भुजिया और रोटी बनाने का, बट जब सुबह फिर ये 2 केजी दूध लेकर आ गए तो फिर मैंने सेवैया बना दी और जो आटा मैंने लगा रखा था उसी का मैंने पूरियाँ बना दी। और आलू भिंडी की भुजिया तो हमारी बन ही चुकी थी, तो गर्मा गर्म पूरियाँ बन चुकी है मेरी। तो चलिए हम हस्बैंड जी की थाली तैयार कर देते हैं। तो ये है उनकी थाली, पूरियाँ सेवई और सब्जी। मैं हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए तैयार और पहन लिए हरी हरी चूड़ी। और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि पीहू का भी पेपर होने वाला है 10 बजे से और टाइम हो गया है 9:30, तो मैं फटाफट जाऊँगी और फटाफट आऊँगी। तो ये भी जा रही है मेरे साथ। प्रिंस दरवाज़ा बंद करो, सब चीज़ ले लिए ना, बहुत हड़बड़ दड़बड़ में आज हो रहा है सब काम। चलो बेटा पहुंच गई हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, घर से थोड़े से ही दूर पे ही हमारा मंदिर है। तो ये सारे क्लिप जो अभी आप देखोगे मंदिर वाली, ये सारे मेरी बेटी ने लिया है, तो वो थोड़ा सही ढंग से नहीं ले पाई और थोड़े से बच्चे हिचकिचाते भी हैं वीडियो बनाने में। मैंने थोड़ा सा बस बोला था कि बना लेना, तो उसने बनाया था और वो आई है मेरे साथ। बेटे को मैंने बोला कि चलो, पर पापा बेटे को इतना इंटरेस्ट नहीं है पूजा पाठ में, लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मेरी बेटी बोल रही थी, पीहू मेरी बोल रही थी कि मैं भी फास्ट करूंगी, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं रहने दो, 2-3 साल के बाद से कर लेना। और मेरी सासूमा थी ना, उनका कहना था कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको शिव जी का पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि शिव जी गंजेड़ी भंगेड़ी थे तो वैसा ही पति मिलेगा। बट मैं नहीं मानती क्योंकि मैं तो बचपन से ही बहुत, मैं 5-6 में पढ़ती थी तब से मैं शिव जी का मतलब शिवरात्रि भी करती हूँ, सावन का व्रत भी करती थी सोमवारी वाला। तो मुझे तो अड़भंगी गंजेड़ी ये सब पति नहीं मिले हैं। और अपनी अपनी मानता है ना, जिस जिसके भाग्य में जो रहेगा वो तो मिल ही जाता है, चाहे पूजा करो या ना करो। तो बेटी को मैंने भी मना कर दिया है, वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए उसके बाद करेगी। बट वो मेरे साथ आई है, उसने भी पूजा किया था पर मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी सी कैमरा साई है मेरे घर में, थोड़े से नहीं सारे लोग कैमरा साई है, वो आना नहीं चाहते यार, पता नहीं मेरा क्या होगा, आना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने बस अपना ही रिकॉर्ड करवाया था और यहाँ मेरा पूजा पाठ हो गया है। तो अब हम चलते हैं बाहर, और बाहर ही मैं अगरबत्ती लगाऊंगी, यहाँ पर लगाना नहीं है, बस दिखा के और बाहर लगाना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो मंकी दोनों बैठे हुए, ये मंकी पूजा ही नहीं करने दे रहे थे अच्छे से किसी को भी, जो प्रसाद लोग चढ़ा रहे थे वो खा ले रहा था उठाकर, और यहीं बैठा हुआ था, यहाँ से उठ ही नहीं रहा था। एक ऊपर बैठा हुआ है और एक यहाँ नीचे बैठा हुआ है, और इधर हम पूजा पाठ करके फिर चलते हैं घर को। हो गया हमारा पूजा, हम फटाफट से चलते हैं। 4:40 हो गया है और 50 से एग्ज़ाम है, 60 से 10 बजे से स्टार्ट है ना पीहू, और यहाँ घास काटे जा रहे हैं इसलिए आप लोग को आवाज़ नहीं आ रहा होगा कुछ भी, घर चल के बात करते हैं हम। मैं आ गई थी, आने के बाद पीहू ने पेपर किया और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत रील्स बनाए। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किए हो तो फॉलो कर लेना, मेरे चैनल के नाम पे ही है मेरी इंस्टा आईडी। और यहाँ मैं अभी बना रही हूँ, 11 बज गया है, फिर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ अपने लिए चाय और भुनूंगी मूँगफली। ऐसे जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है, और जिस दिन ना व्रत रहे ना उस दिन पूरे दिन इतना भूख लगता है, ऐसा लगता है कि खा रहे हैं और पेट ही नहीं भर रहा है, और जिस दिन व्रत रहो उस दिन भूख ही नहीं लगती। तो चाय पानी होने के बाद मैंने खाना भी बना लिया है, दाल बना ली है, दाल चावल ही आज हमारे बनेंगे। तो अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी और मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है,
बादल तो थे मौसम, बट हवा नहीं चल रही थी तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी, और मोबाइल मुझे मिला नहीं। बेटी क्लास कर रही थी, जब थोड़ा थोड़ा उसको ब्रेक हो रहा था ना, तो उस टाइम मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। उतने अच्छे से मुझे नहीं आती। हाँ, मोबाइल से देख के मैं जैसा डिज़ाइन होता है वैसे लगा लेती हूँ। और पहले मैं बहुत मेहंदी लगाती थी, बट अभी थोड़ा मेहंदी लगाना मेरा कम हो गया जब से बच्चे हो गए। वरना मैं पहले महीने में एक आध बार तो लगा ही लेती थी जब मेरे दोनों बच्चे नहीं हुए थे तब। बट अब बच्चे हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे अपना शौक जो रहता है वो खत्म होता जाता है हमारा। तो ये देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है। हाँ, तो मेहंदी तो लग गई, बट मेरी मेहंदी लगाने की वजह से कोई बहुत जल भून गया। कौन जल भून गया मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे दिखाऊं? यू, एक सेकंड आना बेटा। चावल चढ़ा के और मैं मेहंदी लगाने लगी थी, और उसके बाद क्या हुआ मेरे बर्तन का हाल मैं दिखाती हूँ आप लोग को। दिखाओ, ये रहा, देखिए, देख रहे हो? हम अगर किचन से हट के कुछ करने लगे ना, तो यही होता। आज मेरा चावल जल गया। अच्छा हुआ नीचे नीचे का जला था, फिर मैंने ऊपर का निकाल दिया। भाग के आई मैं, मेहंदी लगाने में इतनी चूर थी कि मुझे पता ही नहीं कि मैंने पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ये हो जाएगा। यही है ना, जब हम कोई काम करते रहते हैं तो ऐसे लगता है कि टाइम पार हो रहा है और काम हमारा हो ही नहीं रहा है। और जब हम दूसरे किसी काम में लग जाए ना, तो वो फटाक से हो जाता है। तो वो जल्दी से हो गया, और थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही जल गया है। तो ऊपर ऊपर से मैंने निकाल दिया और उस बर्तन को मैंने भिगो दिया है। और आज मौसम बहुत ख़राब है, यहाँ पर बादल है, धूप नहीं है, हवा भी नहीं है। और मेरी बेटी गई है खाने के लिए। प्रिंस, तुम्हें नहीं खाना? और अभी लंच ब्रेक हो गया है इन लोगों का, और मैं जो सामान लेकर आई हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। पता नहीं कब दिखाऊँ, क्योंकि 2 बजे से अभी इसका क्लास है। ब्रेक मिला है लंच के लिए, तो ये लंच करेंगे। और मेहंदी मैंने एक लाया था, उसमें से आधा बचा दिया है, क्योंकि मेरे पीहू को भी लगाना है। तो मोबाइल मुझे मिला नहीं, तो जैसा आया ना मैंने वैसा लगा दिया। पलक तक चल साथ मेरे पलक। यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से मेरा 1000 कर दीजिए प्लीज गाइस प्लीज। मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि शाम हो गया है और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। बस मेहंदी लगाया, आलता लगाया, और खाने में मैंने दाल चावल बनाया था, तो वो तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया। जिसमें चावल जल गया, तो बच्चों ने मेरा मेरे खाए भी नहीं, बस इसके पापा ने खाया। और इनको सेवई पूड़ी किया गया, ये दाल चावल कहाँ खाने वाले। तो मैं कल जो ले कर आई हूँ ना, वो दिखा देती हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले तो ये हरी चूड़िया लाई थी मैं, जो कि मैंने पहन रखा है आधा, और आधा ये है। हम सावन में, मैं सावन में सुहाग का सामान खरीदती हूँ जरूर से, और हरी चूड़िया भी खरीदती हूँ। और तो मैंने सिंदूर लाया था एक, और एक नेल पेंट है, बिंदी। और जल्दबाजी में हमारा मार्केट हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और एक मैं ये क्रीम लेकर आई हूँ, लैक्मी का पीच मिल्क, फर्स्ट टाइम लाई हूँ। यूज करके देखती हूँ ये कैसा होगा, क्योंकि मुझे कोई भी क्रीम सूट करता ही नहीं है, तो इसे देखती हूँ ये क्या हाल चाल बताता है अपना। और एक ये है आईलाइनर, और टोनर, और मैं लूँ, मेरी बेटी ना ले, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मेरी बेटी ने अपने लिए लिया है नेल पेंट, और एक लिपस्टिक लाया मैंने, जिसको कि मैंने लगाया है, तो ये इस कलर का है। देखिए ये फोकस नहीं कर रहा है अच्छे से, तो इस कलर का है ये। और एक ये है आलता, और एक मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिया है शर्ट, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो वो है ये। और कुछ नहीं लाई थी मैं, क्योंकि जल्दबाजी में शॉपिंग हुई, लेट से हम गए थे और पुलिस वाले आ गए थे, बंद करवा रहे थे पूरा, तो बस यही ले पाई। मुझे कुर्ती वगैरह लेना था और 2-4 सामान लेना था, पर नहीं ले पाई। तो चलिए यहीं से मैं अपने वीडियो का भी, ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। शर्ट दिखा दिया मैंने, पीहू बोल रही है शर्ट।
तो शर्ट दिखा दिया मैंने, पीयू ने बस नेल पेंट ही लिया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। डिनर करने के बाद मेरी बेटी सोने ही नहीं दे रही थी। उसका कहना था कि मम्मी मुझे भी मेहंदी लगा दो, मुझे भी मेहंदी लगा दो। फिर मैंने उसे मेहंदी लगाया, तो ये देखिए ये उसकी मेहंदी है, कैसी लग रही है। उसके बाद ही मुझे उसने सोने दिया। तो चलिए फिर, ओके, टेक केयर, बाय बाय।